ऐसे करने के लिए सबसे पहले आपके डिश को 83 डिग्री ईस्ट यानी कि इनसेट 4A सैटेलाइट जो कि टाटा स्काई का सैटेलाइट है उस दिशा में लाना पड़ेगा और उसके बाद आपका रिसीवर का सिग्नल चेक करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप अभी देख पा रहा है मेरा डिश का जो डायरेक्शन है वो 83 डिग्री में सेट किया गया है। चलिए देखते हैं 83 डिग्री ईस्ट का सिग्नल कितना आ रहा है। सिग्नल देखने के लिए आपको पहले मेरा MPG2 जो रिसीवर है उसमें मेनू बटन में जाना पड़ेगा, उसके बाद प्रोग्राम सेटअप में जाना पड़ेगा। प्रोग्राम सेटअप में जाके ऐड न्यू प्रोग्राम करना पड़ेगा और जो LNB फ्रिक्वेंसी है उसको चेंज करके 09750 और फिर से 09750 करना पड़ेगा। और ट्रांस फ्रिक्वेंसी जो एक ही टाटा स्काई सैटेलाइट में है जो MPG2 का है वो है 11010 और सिंबल रेट इसका है 27500। इस पोलरिटी हॉरिजॉन्टली है 22 के को आप कर देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी सिग्नल आ रहा है, ठीक है, यानी कि मेरा डिश बिल्कुल 83 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि आप कैसे ABS और फ्री डिश इन दोनों सैटेलाइट को इस डायरेक्शन से लाएं। तो एक ही डिश में ABS2 और DD फ्री डिश को लाने के लिए सबसे पहले ये जो हमारा 83 डिग्री ईस्ट का LNB है उसको हटाना पड़ेगा और उसके बाद दोनों जो सैटेलाइट है वो हमें ट्रैक करना पड़ेगा यानी कि पोजीशन करना पड़ेगा कि कहाँ पे किस पोजीशन पे ये LNB से ये दोनों सैटेलाइट आ रहा है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये जो फ्रंट व्यू से राइट साइड है यहाँ से हम लोग ABS2 ट्राई करेंगे और जो लेफ्ट साइड है यहाँ से हम लोग DD-FD ट्राई करेंगे। अब मैंने मेरा जो मिडिल का LNB था उसे खोल दिया है। अब चलिए TV की तरफ और वहाँ पे जाके पहले हम ABS को लाएंगे और उसका प्रोग्राम सेटअप करते हैं। ABS का जो फ्रीक्वेंसी है वो हम इसमें डाल देते हैं। ट्रांस फ्रीक्वेंसी जो होगा 11793 और सिंबल रेट जो होगा 44000। यहाँ पे पोलरिटी H होगा, हॉरिजॉन्टल होगा और 22 के ऑफ होगा। चलिए अब देखते हैं कितना सिग्नल आता है और किस पोजीशन पे सिग्नल आएगा। तो दोस्तों अब हम वो मिडिल के जो LNB थे उससे ABS को लाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं किस पोजीशन पे ABS आता है। ये मेरा LNB है और देखते हैं सिग्नल कैसा आ रहा है। आप देख सकते हैं किस पोजीशन पे सिग्नल दे रहा है। अभी 28-29 है और इसका पोजीशन ऐसा है। ABS को पोजीशन करने के बाद हम लोगों को फिर से रिसीवर की तरफ जाना पड़ेगा और DD-FD का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेट करना पड़ेगा। चलिए हम DD-FD का फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। जो ट्रांस फ्रीक्वेंसी है वो होगा 11090 और सिंबल रेट होगा 29500 और पोलरिटी होगा वर्टिकल। तो ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी सेटअप है इसमें अगर हम लोग सिग्नल लाने में सक्सेस हो तो DD-FD भी आएगा। वहाँ हम उसी LNB से DD-FD को पोजीशन करेंगे कि कहाँ पे सिग्नल ज़्यादा आ रहा है। तो चलिए देखते हैं रिसीवर की तरफ अभी कितना सिग्नल दे रहा है। यहाँ पे 51 है
जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 55 है, तो इसका पोजीशन कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ऐसे पोजीशन में हम लोगों को जो दोनों LNB है वो दोनों LNB को फिक्स्ड करना पड़ेगा, तभी हम ऑल टाइम ये दोनों सैटेलाइट एक साथ देख पाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहा है मैंने दोनों LNB को एल्युमिनियम शीट से फिक्स कर दिया है। आप चलिए रिसीवर की तरफ आप देखते हैं दोनों सैटेलाइट में कितना परसेंट सिग्नल आ रहा है। तो पहले हम देखेंगे संगीत बंगला में कितना परसेंट सिग्नल आता है, और यहाँ पे 29 सिग्नल आ रहा है, और नेक्स्ट चैनल जो फ्री डिश का है डीडी नेशनल का सिग्नल 59 और 58 में रुका हुआ है, जो काफी है। तो जैसे आपने देखा कि मैं कैसे मेरा वीडियो कॉन डिश में ABS2 और फ्री डिश को ला पाया, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। ऐसे ही और सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा, और प्लीज़ आप अपना फीडबैक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।